नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले डिटेल रिव्यू Amazfit BIP Lite स्मार्टवॉच का। जी हाँ दोस्तों, मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 12 से 15 डेज हो चुके हैं और आई थिंक दोस्तों एक राइट टाइम है इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू बनाने का। मुझे यहाँ पे इसके सारे प्रोज कॉन सब कुछ यहाँ पे आइडिया लग गया है और आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअल के अंदर आपके लिए Amazfit BIP Lite कैसी होगी, आपको फिर वर्क करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। प्राइस दोस्तों इसकी है 3000 रुपीज़ अभी अमेजन सेल के अंदर और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के बाद आपको पड़ जाएगी 2700 रुपीज़ की। तो दोस्तों 3000 रुपये की रेंज के अंदर आपके लिए ये Amazfit BIP Lite स्मार्ट वॉच कैसी रहने वाली है, इस सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। और एक आपको बताता हूँ दोस्तों, Amazfit BIP Lite का गिव अवे भी चल रहा है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे आप Amazfit BIP Lite जीत सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स सी कि एक्चुअल के अंदर Amazfit BIP Lite आपके लिए कितनी वर्थफुल होने वाली है। सबसे दोस्तों बात करते हैं इसके यूजर इंटरफेस की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे काफी इसने इंप्रेस कर दिया है। नॉर्मल सा यूजर इंटरफेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस एक बटन दबाना होता है। बटन दबाना दोस्तों आप अगर यहाँ पे आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको सारे सारे मेजर डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, वेदर रिपोर्ट, अलार्म वगैरह, टाइमर वगैरह, स्टेप्स काउंटिंग, सेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और आई थिंक दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इजी है यूज़ करने के अंदर। इसके दोस्तों बात करता हूँ उसके मेन मेन फीचर्स की, आपको यहाँ पे दोस्तों स्टेप्स काउंटिंग तो मिलती है, इसके अलावा आपको यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर भी मिल रहा है। आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्चुअली आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, वो भी आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट फीचर मिसिंग है वो है ऑक्सीजन लेवल, साथ में दोस्तों ब्लड प्रेशर का भी आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक कुछ यहाँ पे फीचर्स मिसिंग है जो कि अभी कुछ वो जैसे ऑनर बैंड 5 है जिसकी प्राइस 2300 रुपीज़ समथिंग है, उसके दोस्तों आपको ऑक्सीजन लेवल मिल रहा है। तो यहाँ पे एक दो फीचर्स काफ़ी मिसिंग है। दोस्तों बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर काफ़ी एक्यूरेट है, 90% तक एक्यूरेसी आपको दे देगा। और आई थिंक दोस्तों 90% काफ़ी ज़्यादा है हार्ट रेट सेंसर के अंदर। साथ ही दोस्तों स्टेप्स काउंटिंग की बात करता हूँ, स्टेप्स काउंटिंग में दोस्तों आपको 95% में सही देता है, सो में से आपको 95 स्टेप्स इजीली दिखा देता है। तो आई थिंक दोस्तों इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको 100% एक्यूरेट नहीं कहूँगा, तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। बट दोस्तों मोस्टली 90 और 95% की जो एक्यूरेसी होती है काफ़ी सही मानी जाती है स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच के अंदर। स्पेशली दोस्तों 5000 जो नीचे जितने भी स्मार्ट बैंड स्मार्ट वॉच आ रही है सबकी एक्यूरेसी आपको इतनी मिलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आई है। दोस्तों बात करते हैं इसके वॉच फेसेस की, तो इसके अंदर आपको इन बिल्ट 10 वॉच फेसेस मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इजीली उन 10 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, कस्टम वॉच फेसेस। तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इस Amazfit एप्लीकेशन के अंदर कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से भी 10 बार आपको वहाँ पर डायरेक्टली कस्टम वॉच फेसेस मिल जाते हैं। इसके दोस्तों आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी इसके जो वॉच फेसेस इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों कस्टम वॉच फेसेस सपोर्ट करता है। आई थिंक थर्ड पार्टी ऐप के जो कस्टम वॉच फेसेस होते हैं मैं उनको खुद रिकमेंड नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे अनसिक्योर लगता है, थोड़ा सेफ्टी वाइज मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है। बट दोस्तों अगर आपको चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कुछ फीचर्स मिले तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट दोस्तों मेरे लिए इसके जो इनबिल्ट कस्टम वॉच फेसेस हैं वही मुझे अच्छे लगे हैं। इसका दोस्तों मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कोई बाहर के कस्टम वॉच फेसेस, बट आपको मैंने बता दिया कि एक्चुअल के अंदर कस्टम वॉच फेसेस का फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इजीली दोस्तों अपने खुद के जो वॉच फेसेस है वो चेंज करके कस्टम वॉच फेसेस यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका तो बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, एक्चुअल कितने ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या चलेगा नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो इसका स्ट्रिप बैंड है काफ़ी लाइट वेट है और आई थिंक दोस्तों स्किन फ्रेंडली भी है। अगर दोस्तों आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सेंसिटिव है तो भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको पहन के दोस्तों इवन रनिंग वनिंग जॉगिंग सब कुछ कर सकते हैं, स्वेटिंग होने के बाद भी आपको स्किन एलर्जी वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, यूज़फुल लगे हैं और लाइट वेट होने के बाद दोस्तों आपको कहीं पता नहीं चलता कि आपने इनको अपने हाथों में पहन रखा है। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी के हिसाब से मैं इसको 10 में से इजीली 8.5 स्टार दे सकता हूँ, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और दोस्तों ध्यान रखें जो रेटिंग है मैंने इसके प्राइस के हिसाब से दी है, तो आई थिंक दोस्तों 3000 के अंदर सबसे बेस्ट बैंड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी है। इससे तो बात करते हैं वाटरप्रूफ की, क्या ये वाटरप्रूफ है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने क्लेम करा ये वाटरप्रूफ भी है, बट हमने दोस्तों यहाँ पे चेक किया, हमने इसको दोस्तों वाटर के अंदर 20 मिनट्स के आसपास कुछ रख के देखा और वहाँ पे दोस्तों इजीली सर्वाइव कर गया था। इवन दोस्तों पानी से बाहर निकालने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि जो इसकी स्क्रीन है दोस्तों वहाँ पे आप इजीली जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, पानी के अंदर पानी के बाहर, इवन दोस्तों डे लाइट के अंदर, चाहे आप सनलाइट के अंदर हो चाहे दोस्तों आप रूम के अंदर हो, वहाँ पर इसकी जो विजिबिलिटी टाइम वगैरह है वो काफ़ी प्रॉपर दिखाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है जिसका डिस्प्ले मुझे इतना अच्छा लगा है, प्रॉपर जो डिस्प्ले होता है मैं कहूँगा वो यहाँ पे गिवन है।
दोस्तों बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, एक्चुअल के अंदर बैटरी कितनी चलने वाली है। तो कंपनी ने अभी क्लेम किया हुआ है कि आपको 45 डेज का बैटरी बैकअप दे देगी, बट दोस्तों जब मैंने इसको यूज़ किया है तो यहाँ पे पर डे 10% ईजिली कंज्यूम हो जाया करता था। तो आप यहाँ पे मोस्टली 10 से 11 डेज का बैटरी बैकअप मान के चलिए। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं हर्टी सेंसर काफ़ी कम यूज़ करता था, तो आप यहाँ पे सोच लीजिए अगर आप हर्टी सेंसर यहाँ पे ऑलवेज 24/7 यूज़ करने वाले हैं, आप यहाँ पे 6-7 डेज का बैटरी बैकअप यहाँ पे मान के चलिए। मत सोचिए आपको 45 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। बट उस रियलिटी के अंदर 10 या फिर 11 डेज के बैटरी बैकअप काफ़ी सही होती है। आपको एक बार चार्ज करना है, आप इसको 100% चार्ज कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप 9-10 दिन में अगर इजीली निकाल देते हैं तो मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी रिकमेंडेबल है। प्राइस दोस्तों काफ़ी सही है, तो यहाँ पे बैटरी में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया है। दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की, रेंज की, तो यहाँ पे मुझे पर्सनली कोई यहाँ पे इशू नज़र नहीं आया। मैंने यहाँ पे दोस्तों हमेशा इसको 24/7 यहाँ पे यूज़ किया, कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर थी, बीच बीच में कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये वॉच या भी फोन से डिस्कनेक्ट कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी है। रेंज दोस्तों भी काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पे अपने घर के एक कोने से दूसरे कोने में बैठे हैं तो भी दोस्तों आप इजीली पकड़ लेता है। इवन दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ खेलते हैं तो आप इजीली 20 से 30 कदम दूर भी अगर रहोगे तो वहाँ पे दोस्तों सिंपल प्लेन ग्राउंड के अंदर आपकी जो वॉच है प्रॉपर आपके फ़ोन से कनेक्ट होगी, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन कॉल सब कुछ बता देगी। आई थिंक दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट अभी इस डिपार्टमेंट के अंदर मुझे लगी है स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी और रेंज के अंदर। आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता था वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन कुछ मिल जाया करते थे। आई थिंक दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे कनेक्टिविटी और अच्छी खासी रेंज आपको इसके अंदर मिलने वाली है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन की, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे आपको कैसे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसे आपको हम नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, प्रॉपर आपको मैसेज वगैरह सबको शो कर देगा। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 10 है, 10 मैसेज आपको वॉच के अंदर दिखाएगा। इवन दोस्तों अगर आपको कोई कॉल वगैरह भी आता है वहाँ पे भी आपको ये इजीली बता देगा किसका कॉल आया हुआ है, और वहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है, आप उसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं, फ़ोन को कट कर सकते हैं, दोनों आप वॉच के थ्रू कर सकते हैं। फ़ोन आप रिसीव नहीं कर सकते बट आप इजीली उसको साइलेंट या फिर आप उसको कट कर सकते हैं। अच्छा फीचर है, यूजफुल फीचर है। और सारे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन चाहे वो मेल हो चाहे वो मैसेज हो चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, और दोस्तों जितने भी आपके मेजर नोटिफिकेशन है सब कुछ इजीली शो कर देगा। इवन दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों मैसेज आपके स्क्रीन में दिखा देता है, फोटोज वगैरह आपको नहीं दिखाएगा बट दोस्तों नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी मुझे इसने इंप्रेस कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड वगैरह, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली सारे जो नेसेसरी स्पोर्ट्स मोड सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर। आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग और आउटडोर साइकिलिंग ये सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसके दोस्तों आप स्लीप टाइम वगैरह जितने भी प्रॉपर बेसिक से फंक्शन होते हैं स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉच के अंदर सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाँ थोड़ी सा एडवांस फीचर मैं कहूँगा इसके अंदर मिसिंग है। इसका दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन क्वालिटी की, तो एक्चुअली जो इसका डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको इसके अंदर, रिफ्लेक्टिव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। मीन्स दोस्तों आप इजीली चाहे सनलाइट हो चाहे आप ऑफिस वगैरह अंदर बैठे हो वहाँ पे आपको हमेशा पर्पल टाइम दिखा देगा। इवन दोस्तों बात करता हूँ क्वालिटी की, जो स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पे मैंने एक दो बार दोस्तों अगर मैं इसे गिर भी गई तो भी इसकी स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आए, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छा ग्लास वाइज में यूज़ किया गया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ नेगेटिव साइड की, यहाँ पे मुझे क्या क्या नेगेटिव लगा है, फिर क्या क्या मुझे अपग्रेड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ही यहाँ पे दोस्तों अगर बात करता हूँ स्पोर्ट्स मोड की, तो यहाँ पे आउटडोर साइकिलिंग या फिर स्विमिंग मोड वगैरह कुछ एडवांस फीचर जो ऑनर बैंड 5 या फिर एम आई बैंड 4 के अंदर भी मिल जाते हैं वहाँ पे मिसिंग है। सर दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, साथ ही आपको ऑक्सीजन लेवल करने का भी मेजर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आई थिंक दोस्तों ये सारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। और दोस्तों अगर मैं स्मार्ट बैंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2000 रेंज के अंदर ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। कुछ दोस्तों जो इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है वो है इसका यूजर इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, वैसे प्रॉपरली ये काफ़ी बेसिक सा यूजर इंटरफेस किया गया है, बट दोस्तों बात करता हूँ मैं थोड़ी सी स्पीडनेस की, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं जब इसको यूज़ करते हैं आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इन केस अगर आपको मेन मेन ऑप्शन में जाना है जैसे फाइंड डिवाइस आपको जाना होता है तो आपको काफ़ी लंबी चोरी यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करेंगे, काफ़ी लंबी सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप यहाँ कई बार स्वाइप करेंगे देन वहाँ क्लिक करके सेटिंग में जाके देन फाइंड डिवाइस वो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। आई थिंक दोस्तों कहीं ना कहीं यूआई का थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। आपको जितने मेन मेन ऑप्शन है कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्क्रीन के राइट या लेफ्ट स्वाइप करते आपको दे देने चाहिए थे। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस थोड़ा स्लो है और कहीं ना कहीं दोस्तों कस्टमाइज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। दोस्तों बात करते हैं मेरे ओवरऑल ओपिनियन की, एक्चुअल के अंदर क्या आपको लेने के लिए प्रीफर करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक इसका अलग ही सेगमेंट है। अगर आपको एक प्रॉपर अच्छा खासा प्रीमियम लुक चाहिए, इसका लुक कहीं ना कहीं दोस्तों एप्पल वॉच से मिलता जुलता ही मिलता है। सेकेंड अगर आप ऑफिस वेयरिंग है मतलब आपको ज़्यादा काम पर जाना होता है
फॉर्मल्स वगैरह पहनते हैं, पार्टी वेयर आप ज़्यादा पहनते हैं, तो सो यहाँ पे आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। लुक यहाँ पे बहुत ही कूल आपको दे देगी, साथ ही आपको बेसिक फीचर्स, स्टेप्स काउंटिंग वगैरह, स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिक सारे फीचर्स मिल रहे हैं, हर्ट सेंसर भी मिलता है, आई थिंक उसको सारे बेसिक फंक्शन मिल रहे हैं। प्रॉपर लुक विथ गुड स्टाइल आपको वॉच मिल जाती है। मीन दोस्तों, अगर आप कॉलेज गोइंग है, आपको फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, आपको म्यूजिक कंट्रोल वगैरह अपने वॉच के अंदर ही चाहिए और आपको फर्क नहीं पड़ता कि लुक कैसा भी है, स्किन अगर आपकी सेंसिटिव नहीं है, तो दोस्तों मैं कहूँगा आप इसको रिकमेंड नहीं कीजिए। थोड़े जो एडवांस फीचर हैं वो इसके अंदर मिसिंग है, बट दोस्तों लुक आपको अगर आप एम आई बैंड 4 या फिर ऑनर बैंड 5 के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आपको लुक में थोड़ी सी कमी नज़र आती है जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। आई थिंक दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा आपकी चॉइस क्या है, आपको दोस्तों कॉलेज के हिसाब से चाहिए या फिर दोस्तों आपको फॉर्मल पार्टी वेयर के हिसाब से वॉच चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा अगर पार्टी वेयर फॉर्मल आप ज़्यादा पहनते हैं तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्टेप में पीछे हट जाऊँगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अब बात करते हैं दोस्तों कि एक्चुअल के अंदर आप कैसे जी सकते हैं घर बैठे बैठे Amazfit BIP Lite स्मार्टवॉच। या दोस्तों बात करें गिव अवे की, दोस्तों बहुत ही ईजी है, हम यहाँ पे गिव अवे इसका कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स भी मैंने बना रखे हैं। रूल नंबर 1 दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अभी के उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल नंबर 2 दोस्तों, आपको मुझे कमेंट के बताने का एक्चुअल के अंदर Amazfit BIP Lite के अंदर आपको सबसे अच्छा फंक्शन क्या लगा है। रूल नंबर 3 दोस्तों, आपको इस वीडियो को किन्हीं 3 लोगों से शेयर कर देना है, और जैसे दोस्तों आप ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आप हो जाओगे एलिजिबल Amazfit BIP Lite जीतने के लिए। एक और जो दोस्तों, जिस दिन यहाँ पे इस वीडियो को और इसका जो अनबॉक्सिंग वाले वीडियो है उन दोनों को मिला के 1000 लाइक्स और कमेंट क्रॉस हो जाते हैं, उसी दोस्तों हम डिक्लेयर कर देंगे गिव अवे विनर का नाम। दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसका दोस्तों आपको कोई ओपिनियन, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक, कोई क्वारी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें आपको लाइक करने बहुत ही खुशी होगी। जाने से पहले लास्ट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफी सारे गिव अवे के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप गिव अवे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परचेस लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से डायरेक्टली परचेस भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू ऑन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।